और किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। मैं तो यही चाहता हूँ कोई और माँ बाप मेरी तरह तड़पे जैसे आज ठीक मैं तड़प रहा हूँ, कोई ना तड़पे। एक बच्चा था वो इतना बोला था और मुझे इतनी बेदर्दी से मारा इस लड़के ने, इसको कभी माफ मत करो, इसको इतना करो चाहिए दोबारा ऐसी कोई हरकत ना नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि 20 नवंबर के दिन रायपुर नॉर्दरी के अंदर वहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आता है किडनैपिंग का। जी हाँ, किडनैपिंग के बाद राघव जम्बाल उर्फ रघु, जिसकी उम्र की 19 वर्ष थी, बड़े ही बुरे तरीके से, तो अगर बात की जाए दूसरी ओर और पुलिस द्वारा भी बड़ी जल्दी, क्योंकि एक्शन लेने के बाद बड़ी ही जल्दी एक दिन के भीतर ही उस क्रिमिनल को पकड़ भी लिया जाता है। पर कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स के ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटता है, शायद वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उस परिवार का एक ही बेटा था और जो दर्द उस माँ और उन बाप को होगा और जो उनके रिलेटिव्स होंगे उनको होगा, शायद हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दुखद रहता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये मैं आपको बताता जो जो पहला एक ऐसा मामला था जो बलवाल तहसील के अंदर और पुलिस स्टेशन जो दुमाना पड़ता है उसके अंतर्गत हुआ, और करने वाला भी क्योंकि ऐसे जो क्राइम था जिस तरीके से ये दिख रहा था कोई अननोन पर्सन ही था। और मैं आपको बताता चलूँ ये लड़का जिसने ये क्राइम किया था वह किश्तवाड़ ज़िले से बिलोंग करता था और 4 साल पहले अगर बात करूँ उन्हीं के घर के पास एक मकान में किराए पर रहता था और वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं नादनी के ऊपर पैरामेडिकल वहाँ पे इसने स्टडी की। पर कहीं ना कहीं दुखद रहता है जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सतर्कता बरती। जब पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है परिवार वालों के सहयोग के साथ वह भी सर्च करने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस ने कामयाबी भी हासिल की और काम भी अच्छा किया। पर कहीं दुखद ये रहा कि वह उस बच्चे की जान नहीं बचा पाए, क्योंकि जो क्रिमिनल था उसने बच्चे को अगवा करने के वक्त ही उसके थोड़ी समय बाद ही उसका मर्डर कर दिया था। और जब शिनाख्त की गई क्योंकि किडनैपिंग का मामला था, उसके बाद जो पैसे के लेन देन के लिए भी कॉल आती है, तो जब इन चीज़ों का पता जब इससे ट्रेस किया जाता है जिस नंबर से कॉल आती है जहाँ जो चूज़ कर रहा होता, तो फिर वहाँ पे जाके उस लड़के का पता लगता है और पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी से उस लड़के को हिरासत में भी ले जाता है और इस समय वह हिरासत में और जो कड़ाई से उसकी पूछताछ की जा रही है। और आज उसी मुद्दे में आपको बताता चलूँ, एसपी रूलर राहुल चाड़क जी और एसडीपीओ दमाना विशाल छोर जी आज वह परिवार के साथ उनके माता पिता के साथ मिलने के लिए उनके घर पर आए और उन्हें आश्वासन भी दिया कि वह इस जो क्राइम जिस इंसान ने किया उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आइए पहले आपको दिखाते हैं कि वह परिवार वालों से मिले और उन्होंने उन्हें क्या कहा और परिवार वालों ने उनके आगे क्या मांग रखी। और मार कर जैसे कि आज ऑफिशियल जो होते हैं पुलिस के जहाँ पे आपके घर में आते हैं, क्या मांग है आपकी कि जिस इंसान ने जो क्राइम किया है उसको लेकर, क्योंकि पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही होगी, पर आपकी क्या मांग है उनकी? सर इो गल है कि उस बंदे छुड़कना नहीं चाहिए, अस पुलिस अगर भी टेस्ट करने लोगों अगर भी इो करने तो इस बंदे नहीं छोड़ो, उस बंदे जिनी सख्त को सख्त सजा दी है उन्नी कर रहे, और उसी ऐसी कर जगह मारो जिस पानी नहीं मिला उसी। तो इो है भाई अस इो चीज़ आखने भाई अज मेरे कन्ने हो कल कुछ और बच्चे कन्ने नहीं हो और कुछ का घर नहीं उजड़ा, ऐसे बंदे की ऐसी जगह मारो जितने पानी नहीं मिले। मेरी सारे अगर इो रिक्वेस्ट है कि इो चीज़ फैलाओ सारे भाई ऐसे बंदे की सजा को तगड़ी को तगड़ी सजा दी जा, और आज अज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करे कोई बंदा पर जी मेरे कन्ने हो कुछ नहीं हो।
क्या तुस जिस इंसान ने एक क्राइम किया है जियां कि आखा कि किश्तवाड़ रौह्ने आह्ला हा कि इधर लोकल किराए पर भी थोड़ी देर पैसे 3-4 साल पहले रौंह्दा, क्या इसी तुस पर्सनली या जानदे हे अच्छी तरीके कन्नै? इसी अस कोई नहीं जानदे, गली दे विच कोई आदा ज्यादा चलो आंदे जांदे किसे कन्नै गल होई जांदी है, कोई गली साडी बड्डी नहीं है, हां जी छोटी है गली है, 3-4 घर ने साडे विच, कोई रौंह्दा है चलो आंदे जांदे गलबात होई जांदी है, मेरी ख्याल इहदे कन्नै तां भी कोई गलबात नहीं होंदी, इ'यां कुतै रस्ते कुतै लंबी होंदा ते मैं अंकल अगर हा ते चली जांदा हा, बच्चे कन्नै कोई होर गल्लबात इ'यां ते ओह् आखी सकदा, मैं बच्चा मेरा सारे कन्नै मेल मिलाप आह्ला, चाहे तुस इत्थै सारे आइयै पुच्छी सकदे हो कि बच्चा कि'यां लिया हा, क्योंकि उसी चीजा दा पता नहीं होंदा भाई केह् चीज है केह् नेईं है, अगर जो उसी चीजा दा पता होंदा कदें नहीं जंदा, बाकी तुस दिक्खो इस बंदे छड्डेओ नहीं, बस साढ़ी इ'यो रिक्वेस्ट है इसी बंदे नी छड्डो, एह्दे कन्नै होर क्राइम बधना, अगर जो होर क्राइम बधिया ते सारे मुश्कल होई जाना। उसके लगदे मामा जी जेड़ा ये एक बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि अगर दिखाया जाए तो पहली बार साढ़े एरिए ऐसा एक काम होया जेड़ा कि एक 19 साल के होने बच्चे दी कन्ने एक क्राइम होया है, तो क्या तुस जेड़ी पुलिस की कार्रवाई उसके संतुष्ट हो? सर पुलिस की कार्रवाई में अल तक संतुष्ट है कि पुलिस अपना कार्रवाई करा, सू सुना जी अपडेट दिया जी भी असं ये कार्रवाई करा गए, लेकिन साढ़ा बच्चा तो चला गया, मेरे जीजा जी है इनकी हालत दिखा रहे हो, सिस्टर मेरी है क्रोनिकल डिसीज बीमार है, इनका कोई भी देखने वाला कोई इधर अलावा कोई नहीं है, असं सरकार को भी और पुलिस को भी ये करते हैं कि इसी सख्त सख्त सज़ा दी जा, ये दोबारा कोई दूसरा क्रिमिनल जो बच्चे सारे जम्मू से बड़े सारे बच्चे ये क्रैक्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह करा दे छोटे छोटे क्राइम करते उनका भी दिल बधी जाना है, ये किसी कन्नै भी घटना कर सकते हैं, फिर ये इसी सख्त सख्त सज़ा दी जाए कि ये कोई भी बंदा या कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऐसा केस ना करे, बाकी चीज़ें ने वो एक बंदे की खुद नहीं रघू हमारे मारा है, मेरे जीजा को भी मेरे सिस्टर को सबको मार के चला गया, किस के सहारे जिएंगे, कौन इनका देखेगा कौन करेगा, कोई इनका है इनके अलावा कोई भी नहीं था, लड़की थी उसकी शादी कर ली है, माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ये बोलते हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिले, बाकी पुलिस अपना कार्रवाई करें, हम फिर भी बोलते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन करें कि उसके साथ कोई और था तो नहीं गई, कोई और उसके साथ मिला था, जब कोई और कोई एंगल तो नहीं है, सख्त से सख्त सजा दिया जाए उसके, कि आइंदा कोई दूसरा ऐसा क्रिमिनल कोई केस करे। जिस दिन ये क्राइम हुआ रघु के साथ, उस दिन रघु जहाँ से घर से इंस्टीट्यूट गया था कहाँ गया? रघु इंस्टीट्यूट जाता जानीपुर जाता था, वहाँ डेली हुए की टाइम 9:30 के बीच में जाता, पापा जाते हैं बैंक में 9 बजे, उसके बाद वो जाता था, इसी बीच में उसने यहीं से कहीं से उसको घुमा कर ले गया। अब आखिर में आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करोगे कि इसको लेकर? हम एडमिनिस्ट्रेशन में मांग करते हैं कि इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलाया कि जल्द से जल्द इसको आज के अंजाम तक पहुँचाए, कि हमारे को कुछ इंसाफ मिल सके इसको, आज उसको इंसाफ यही है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जैसे कि आपने देखा कि उसके जो पिताजी थे या उसके बाबा जी थे, उन्होंने जो शायद वो जो दर्द जो तकलीफ में वो थे बहस शब्दों में बयां तो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद मैं भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जब वह जो एसएसपी रूलर थे राहुल चारक जी और एसडीपीओ दमाना विशाल छोर जी थे, जब वह उनसे मुलाकात कर रहे थे वह काफ़ी भयभीत काफ़ी इमोशनल हो गए, और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया परिवार को उनके पेरेंट्स को कि जितना जिस हद तक हो सकेगा हम उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस शख्स पर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो परिवार को अगर बात की जाए जो आपने सुना भी होगा कि पेरेंट्स की एक ही मांग थी कि अच्छे तरीके से इसको लेकर पड़ताल हो कि जो शख्स था वह अकेला था जहाँ उसके साथ और भी कोई इसके साथ इन्वॉल्व है, और अगर एसपी रूलर की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर कोई भी शख्स उसके साथ इन्वॉल्व होगा तो वह भी बख्शा नहीं जाएगा, और अगर हमने उसको इतनी मुस्तैदी और इतनी जल्दी से पकड़ा है तो छोड़ेंगे हम उसको भी नहीं, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पुलिस ने भी अच्छा काम किया, पर कहीं ना कहीं दुख ये रहा कि वह इस हादसे में उस होनहार उस बच्चे को राघव जम्वाल उर्फ राघु को नहीं बचा पाए, जिसके लिए शायद जो भी वर्ड में एक्सप्लेन करूं शायद है ही नहीं, क्योंकि निशब्द हो जाता है इंसान, जबकि मैं पहले भी कहा एक माँ बाप का एक लौता बेटा था जिसको कि इस दरिंदे द्वारा इतने भयंकर तरीके से जन की
पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि नॉन पर्सन था, जानता था उसको, उसी का फ़ायदा उठाकर वह उसको अपने साथ ले जाता है। फिर जाने ले जाने के बाद चाहे उसको थोड़ा सा एहसास हो जाता कि मैं कहीं पर फंस गया हूँ, तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, पर उसी के बीच में ये इंसान जो दरिंदा था इसने उस बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया और उसको बुरे तरीके से मार दिया। पर कहीं ना कहीं दुखद रहता है उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, शायद मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर दूसरी ओर बात की जाए तो SSP रूरल SDPO दुमाना द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और